नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको लिए लेके आ रही हूँ पायल सिन्हा मैम की, किस तरीके से आप पिगमेंटेशन को मिटा सकते हैं घर पे रह के, मतलब सब घर के चीज़ों को यूज़ करके। आज मैं आपको बताऊंगी इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपको घर की चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए हम पहले चाहिए हमको आलू। आलू हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। टमाटर, जी हाँ, हमारे स्किन को टमाटर भी बहुत अच्छी तरीके से लाइटनिंग करता है। खीरा, खीरा भी हमारे स्किन के बहुत ठंडक देती है, हमारे स्किन को ठंडा रखती है। अच्छा, और हमें चाहिए गाजर और एक नींबू। इनमें से अगर आपके पास कुछ एक भी है तो आप उस एक से बना सकते हो, और अगर एक दो चीज़ नहीं है तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मेरे पास यही चीज़ें थी, मैं उसको सबको मिला के इस तरीके से इसको मिक्सी जार में डाल के इसको ब्लेंड कर लूँगी। इसको रोज़ाना तो आप बना नहीं सकते कि आप इसको डेली आपको मिक्सी में पीस के इसको जूस तो आप डेली अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए एक साथ में आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लेना होगा। इससे क्या आपको 15 से 20 दिन चल जाएगा। ये देखिए, मैंने इस तरीके से सबको मिक्सी जार में डाल के मैंने इसमें दिखाना भूल गई, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच रोज़ वाटर भी डाले थे जिससे अच्छी तरीके से ये पिस जाए। तो ये देखिए पिस चुका है, और इसको मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से छान लेना है। ये आपका चेहरे पे जो पिगमेंटेशन है उसको रिमूव करता है, जो बहुत दिनों तक झाइयाँ होता है इसको भी ठीक करता है। लेकिन हाँ, आपको 21 दिन लगातार इसको रोज़ 3 बार लगाना ही होगा, डेली आपको इसको यूज़ करना होगा 3 बार, जी हाँ। और इसको लगा के आपको मुँह चेहरा नहीं धोना है, आधा घंटा तो आपको इसको रखना होगा, जिससे कि ये पिगमेंटेशन को भी दूर करेगा और जो हमारे स्किन में डार्क स्पॉट हो जाते हैं, पिंपल्स के निशान हो जाते हैं, इसको भी रिमूव करेगा। ये देखिए, मैंने छन्नी से इसको छान लिया है, और जो ना बच जाता है आप इसको फेंकिए मत। इसको आप मुल्तानी मिट्टी और थोड़ा दही में मिला के बॉडी पैक भी बना सकती है, बहुत अच्छी तरीके से बॉडी साफ करता है और टैन भी रिमूव करता है। ये देखिए, और मेरा जूस भी निकल चुका है। इस जूस को आपको बहुत ज़्यादा दिन तक किस तरीके से संभाल के रखना होगा, हाँ, तो आप आइस फॉर्म में इसको बना के रख लीजिए, जी हाँ। उसको क्या है, स्टील की कटोरी में रख के आपको ढक के रखना होगा, जो जिससे कि ये बहुत दिन तक चले और आपके स्किन पे भी इसका असर अच्छी तरीके से हो। आपको इसको खुला नहीं रखना है, आपको इसको ढक के ही यूज़ करना है। ये देखिए, ये मेरा 15 से 20 दिन चल जाएगा। इसको आपको 3 बार लगाना है डेली। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, झाइयाँ है, तो आपको इसको 3 बार लगा के आधे घंटे 1 घंटे के लिए, अगर आप घर पर ही है तो आधा घंटे 1 घंटा लगा के भूल जाइए और अपना काम करते रहिए। तो ये आपके स्किन से जो धीरे धीरे पिगमेंटेशन रिमूव करेगा, डार्क स्पॉट रिमूव करेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी स्किन कब साफ हो गई है। जी हाँ, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, ये देखने में साबुन जैसा लग रहा है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इसको मैं लगा के भी दिखाऊंगी। इसको लगाना एकदम आसान है। आप जब भी आपको अपने स्किन को अच्छी तरीके से, चेहरे को अच्छे से साफ करके आपको बस इस तरीके से 1 से 2 बार पूरे चेहरे पे इसको लगा लेना होगा, और लगा के इसको पोंछना नहीं है, धोना नहीं है, बस यही चीज़ों का ध्यान रखना होगा आपको। और इसके साथ साथ अगर आपके स्किन पे पिगमेंटेशन है, आपको डाइट का भी ख्याल रखना होगा, पानी ज़्यादा पीनी होगी और अच्छी अच्छी सब्जी खानी होगी, सलाद खाना होगा और हरी सब्जियाँ ज़्यादा खानी होगी, तला भुना चीज़ों से आपको दूरी बनाए रखनी होगी। तो आपको इंटरनली भी इससे काम करेगा, और इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो झुर्रियाँ आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, इसको भी धीरे धीरे ये टाइटनिंग करेगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए कैसा लगा, और ट्राई 21 दिन के बाद मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते, मिलते फिर।